देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां पर सदैव अटल जी की पावन जयंती के अवसर पर यहां पर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ योजनाओं का शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण हो रहा है। खासतौर पर बटेश्वर धाम में पर्यटन विकास की कुछ योजनाएं हैं और उन पर्यटन विकास से जुड़ी हुई योजनाओं का भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी सांस्कृतिक संकुल का यहां पर एक शिलान्यास का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। मैं सभी परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए आप सभी बटेश्वर धाम से जुड़े हुए नागरिकों को और बाह विधानसभा फतेहपुर सीकरी विधान लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों को मैं हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं अटल जी का व्यक्तित्व बहुत विराट था और अटल जी के विराट व्यक्तित्व के पीछे का जो भाव था वह था अटल जी के द्वारा राजनीति में जिस भाव के साथ कार्य किया गया था वह अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने इस बात को कहा था भारत के लोगों से और वह था जो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और मुझे लगता है कि हर भारतीय को इसका अंगीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। कितनी बड़ी बात अटल जी ने कही थी। अगर समुचित सोच होगी तो हम बड़ा कार्य नहीं कर सकते। अगर व्यक्ति पहले से ही हतोत्साहित है तो कोई बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करने में अग्रसर नहीं हो सकता। और ये तो पवित्र धाम है इस क्षेत्र का, बटेश्वर धाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बटेश्वर धाम में सरदे अटल जी के पूर्वज आए थे और वे यहां पर एक बहुत बड़े कर्मकांड कार्यक्रम के साथ जुड़ करके लोक कल्याण के लिए जो अनुष्ठान उन्होंने यहां पर किया था उसका परिणाम रहा कि क्षेत्र हम सबका प्रमुख तीर्थ बन गया। इस तीर्थ के साथ जुड़ते हुए आज इस क्षेत्र के समग्र विकास को आगे बढ़ाने की जो प्रेरणा सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और आज के देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, आज उसी का परिणाम है कि बटेश्वर धाम भी विकास की एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है। यहां की विधायक, यहां के सांसद लगातार प्रयास करते हैं। और भाइयों बहनों, राजनीति जिन मूल्य और आदर्शों के लिए होनी चाहिए उन मूल्य और आदर्शों की स्थापना के लिए सरदार अटल जी 6 दशक तक इतना लंबा जीवन सार्वजनिक जीवन में रहते हुए भी जिन पे कोई आरोप नहीं लगा सकता था, यानी विरोधी भी अटल जी के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। कारण साफ था क्योंकि अटल जी ने मूल्य और सिद्धांतों की राजनीति की थी। अवसरवादी राजनीति को उन्होंने हमेशा दुत्कारा था और उन्होंने कहा था कि सिद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा होती है। हम सिद्धांत विहीन राजनीति को बढ़ावा देकर के आम जन के जीवन के साथ और उनको मिलने वाली सुविधाओं के वंचित नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, आज जो हर गरीब को राशन की सुविधा प्राप्त हो रही है ये अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन की सुविधा का लाभ अगर पहली बार किसी ने प्रारंभ कराया था तो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। देश के अंदर हाईवे कैसे बनने चाहिए, स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना अटल जी ने दी थी। हाईवे 4 लेन 6 लेन 8 लेन के हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कैसे बननी चाहिए, ये सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। एक तरफ अटल जी का विराट व्यक्तित्व 60 वर्षों तक भारत की राजनीति में चमकते हुए सितारे के रूप में देश का मार्गदर्शन करते थे और दूसरी तरफ अब लोगों को 5 वर्षों में सत्ता मिलती है
और आप देखते होंगे 5 वर्ष तक जनता ने बाहर रखा, उसके बाद भी जब कहीं इनकम टैक्स विभाग जाता है तो 200 करोड़ रुपए लोगों के घरों में मिल रहा है। ये पैसा कहां का है? ये 200 करोड़ रुपए कहीं खेत और खलिहान से नहीं उपलब्ध होते हैं। खेत और खलिहान से उपलब्ध होते तो सबसे ज्यादा पैसा श्री राजकुमार चाहर के पास होता है, क्योंकि हमारे किसान मोर्चा के वे अध्यक्ष हैं। लेकिन जो लोग सत्ता से 5 वर्ष से दूर हैं, उनके पास इतनी राशि मिलने का मतलब जब उन्हें प्रदेश की सत्ता मिली थी तो उन्होंने खूब लूट खसोट किया, संस्कृत के विद्यालयों का पैसा कब्रिस्तान के लिए दे दिया। हम लोग आए, मुझे आश्चर्य होता था जब हमारी सरकार आई, मैंने एक सर्वे कराया, ये बटेश्वर धाम है, मैं इसलिए यहां पर बोल रहा हूं इस बात को। मैंने इस बात में पूछा कि भाई आखिर संस्कृति के विद्यालयों में शिक्षक क्यों नहीं तैनात है? उन्होंने कहा पैसा नहीं है। मैंने कहा पैसा क्यों नहीं है? और फिर हमने आदेश किया कि हर विद्यालय में संस्कृति के अध्यापकों की तैनाती तत्काल हो और योग्यतम आचार्य रखे जाने चाहिए। और दूसरी व्यवस्था हमने उसमें दी कि संस्कृत के बच्चों के लिए जो छात्रावास में रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, आश्रम पद्धति से चलाए जाने वाले उन विद्यालयों में उन छात्रों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की जाए, और अगर वह व्यवस्था आश्रम नहीं कर सकता तो उस व्यवस्था को सरकार अपने ऊपर लेगी। हर गरीब छात्र को संस्कृत पढ़ाने की व्यवस्था हम करेंगे और किसी भी छात्र को और किसी भी आचार्य को भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन भाइयों बहनों, पहले की सरकार इस पैसे को कहां देती थी? उर्दू अनुवादक के लिए। संस्कृत के लिए शिक्षक नहीं रखना है, उर्दू अनुवादक के रूप में जरूर रखने का प्रयास होता था। और कैसे लोग रखे जाते थे? जिनको स्वयं उर्दू नहीं आती थी। आप देखते होंगे उसमें से ज्यादा तो लोग उर्दू के जानकार नहीं है, लेकिन रखना है तो एक खाना पूर्ति करने के लिए रख दिया गया। ये जो गरीब का पैसा था, जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी हर गरीब को उपलब्ध करा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना में, ये आवास पहले भी दिए जा सकते थे, लेकिन पहले गरीब का घर नहीं बनता था। ऐसे ही 200 करोड़ रुपए उस गरीब का इकट्ठा करके खा दिया जाता था। आज तो अन्न योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री अन्न योजना का लाभ आप लोगों को उपलब्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वाह, वैक्सीन कितने लोगों ने लगाया है? बहुत सुंदर, अभिनंदन आपका। भाइयों बहनों, ये अन्न योजना पहले भी फ्री में दी जा सकती थी, लेकिन पहले ये अन्न का पैसा, ऐसे ये 200 करोड़ रुपए जो मिल रहा है ना, ये सब गरीब का अन्न है और गरीब की आशीर्वाद में लगता है। गरीब की आ भी बहुत तेज लगती है, बहुत तेज लगती है। गरीब का के द्वारा की गई किसी भी प्रकार की कामना हमेशा फलदायी होती है, और इसीलिए पिछली सरकारें गरीब का अन्न खा जाती थी, गरीब को मिलने वाले शौचालय को पैसा खा जाते थे, गरीब को मिलने वाला आवास का पैसा खा जाते थे, गरीब के विकास के लिए होने वाली योजनाओं का लाभ स्वयं हड़प कर जाते थे। और वर्तमान में केंद्र और प्रदेश सरकार विकास की योजनाओं का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को और समाज के प्रत्येक तबके को दे रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे भाइयों बहनों, मुझे यहां की विधायिका और यहां के पूर्व विधायक राजा हरिदमन सिंह जी मुझे बहुत बार कहते थे कि अटल जी की भूमि पर आपको आना है। और अटल जी की भूमि पर क्यों आना, मैं उनसे पूछता था कि अटल जी की भूमि पर तो मैं गया ही हूं। और कहते थे देखिए, अटल जी का परिवार और यहां के जो आचार्यगण हैं, ब्राह्मण समुदाय है, हमारे लिए हमेशा पूजनीय रहा है, क्योंकि उनकी तपस्या के कारण, उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण यह क्षेत्र एक धाम बना, और इस धाम को विकसित करने की दिशा में हम लोगों का दायित्व बनता है कि अगर हमें आज दायित्व मिला है, जिस पार्टी को अटल जी ने सींचा, रोपा और आगे एक विराट वट वृक्ष
मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार आगे कार्य कर रही है, उसका लाभ बटेश्वर धाम को भी प्राप्त हो, इस उद्देश्य हम लोग चाहते हैं कि बटेश्वर धाम में आप आ जाए। और भाइयों, इसीलिए सभी कार्यक्रमों का छोड़ करके आज आपको याद होगा सुशासन दिवस है। अटल जी ने अपने जीवन में जितने भी ऐसे कार्य किए जो लोक कल्याण के लिए समर्पित है, राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित है, वो सुशासन की श्रेणी में आते हैं। आज हम लोगों ने प्रदेश के युवाओं के लिए, जिसमें संस्कृत के विद्यालय के बच्चे भी होंगे, स्मार्टफोन और टैबलेट की व्यवस्था के साथ उसको जोड़ने का कार्य किया है। और लखनऊ में अटल जी की जयंती पर 60,000 नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरित किया, और प्रदेश के 1 करोड़ नौजवानों को अटल जी को समर्पित करने वाली यह योजना हम लोगों ने आज समर्पित कर दी। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अटल जी के नाम पर अनेक कार्यक्रम चला रही है। आप सब जानते हैं अटल जी के नाम पर प्रदेश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी, अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी हम लोग लखनऊ में स्थापित कर चुके हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर आपने देखा होगा अटल जी की विराट प्रतिमा लगाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में उस प्रतिमा का लोकार्पण कर दिया, भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ। 18 कमिश्नरी में 18 अटल आवासीय विद्यालय बन रहे हैं। श्रमिकों के बच्चों को अब उत्तम शिक्षा देने के लिए आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं, और ये कार्यक्रम अटल जी के नाम पर 44 इंटर कॉलेज का भी निर्माण हो चुका है। और यही नहीं, हम लोग ने प्रदेश के अंदर, चाहे वो लखनऊ विश्वविद्यालय में अटल सुशासन पीठ की स्थापना हो, अटल स्मृति उपवन हो, अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति पुरस्कार हो, अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कानपुर डेवी कॉलेज में जहां पर उन्होंने लॉ की डिग्री ली थी वहां पर बनाने की कार्रवाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में भी अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना, अटल राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में, और प्रदेश के सबसे बड़े स्टेडियम का नाम इकाना स्टेडियम का नाम भी हमने अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम रखा है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही हम लोगों ने तमाम अन्य परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया है, और केंद्र सरकार ने भी अटल भूजल योजना, अटल ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, अटल आयुष्मान योजना, अटल नवीनीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन यानी अमृत योजना, यह भी केंद्र सरकार प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अटल जी की स्मृति में चला रही है। अटल जी का व्यक्तित्व महान था, और मैं आज अटल जी की इस पावन भूमि को प्रणाम करते हुए आप सब बाहवासियों को, बटेश्वर वासियों के इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। आज अटल जी के नाम पर कुछ कार्यक्रमों का यहां पर उद्घाटन हुआ है, कुछ का शिलान्यास हुआ है, और मैं आप सबको इस बारे में आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि बटेश्वर धाम इस क्षेत्र का पवित्र धाम के रूप में विकसित करके अटल बिहारी वाजपेयी जी की भावनाओं के अनुरूप पर्यटन विकास के एक सुंदरतम धाम के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी। अटल जी के नाम पर एक म्यूजियम भी यहां बनवाएंगे, अटल म्यूजियम, जिसमें अटल जी के बचपन से लेकर के उनके पूर्वजों की कथा से लेकर के, जो अभी यहां पे निर्मला जी बता रही थी, वहां से लेकर के और आज के वर्तमान प्रत्यक्ष में सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जोड़ते हुए हम सब इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और मैं यही कह सकता हूं, अटल जी का व्यक्तित्व तो बहुत महान था, इतना महान था कोई उसकी कल्पना ही नहीं कर सकता। 6 दशक तक जो महान व्यक्तित्व तो भारत की राजनीति में रहा हो और जिस पर विरोधी भी कोई उंगली नहीं उठा सकता हो, उन्होंने सबको स्नेह दिया, सबको अपने साथ जोड़ा, देश के कल्याण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए जहां भी आवश्यकता पड़ती थी अटल जी सदैव आगे बढ़कर के कार्य करते थे। और आज उसी का परिणाम है कि हर व्यक्ति अटल जी को उनकी स्मृतियों के लिए हमेशा स्मरण करता है, नमन करता है, उनके प्रति बार बार श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करता है,
और आप मुझे भी अटल जी की इस पावन भूमि पर आने का सौभाग्य उनकी पावन जयंती के अवसर पर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आप सभी लोग अटल जी की भावनाओं का अंगीकार करेंगे जो अटल जी ने कहा था कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, अटल जी ने ही कहा था। क्या भाव थे अटल जी के, उन्होंने कभी अपने मूल्यों और सिद्धांतों से विचलित नहीं हुए, कभी नहीं हुए। 6 दशक की राजनीति और मूल्य और आदर्शों के साथ निरंतर डटे रहना, निरंतर उस पर कार्य करना, लोक कल्याण के लिए समर्पित होकर के कार्य करना, और आपने देखा होगा अटल जी को भारत की राजनीति में अदाप सत्र के रूप में किस रूप में उन्होंने पूरे देश को नेतृत्व दिया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज जब हम उनकी पावन जयंती के अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी बटेश्वर वासियों को और बांध क्षेत्र के नागरिकों के इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, सरकार अटल जी की भावनाओं के अनुरूप बटेश्वर फतेहपुर सीकरी और बांध क्षेत्र के विकास के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से सदैव अटल जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।